Hello students, as given our assignment, today I am going to send you solution of that assignment, which will be your homework of today, that is exercise 3.1, okay? So, in each of the following, you need to identify the degree of the polynomial. As explained in degree of polynomial, you have to see the best or the biggest power which you have, okay? The biggest power. So in first polynomial you have 3x raised to 7, minus 6x raised to 5, the plus 4x cubed minus x squared minus 5. The biggest power is 7, so degree of a polynomial is 7. Sum number 2, x raised to 100 minus x raised to 10, uska power 20 hai. प्लस 3x रेस्ट टू 50 प्लस x रेस्ट टू 25 प्लस x रेस्ट टू 5 माइनस 7. तो आपको लगेगा ये 100 होगा, लेकिन ये 100 होगा नहीं. क्यों ऐसा है? बिकॉज जब आप लोग ऐसा लिखोगे x रेस्ट टू 100 माइनस x रेस्ट टू 10 और उसका पावर 20 प्लस 3x रेस्ट टू 50 प्लस x रेस्ट टू 25 प्लस x रेस्ट टू 5 माइनस 7. जब आप लोग ऐसा सॉल्व करोगे तो x रेस्ट टू 100 माइनस x रेस्ट टू 200 होगा. ये 10 इंटू 20 विल बी 200 प्लस 3x रेस्ट टू 50 प्लस x रेस्ट टू 25 प्लस x रेस्ट टू 5 माइनस 7. सो विच इज द हाइएस्ट पावर नाउ? 200. सो आंसर विल बी 200. ओके, देन सम नंबर थर्ड. देखिए 7x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x रेस्ट टू 4. तो क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 4. सम नंबर फोर्थ, 3.14x स्क्वायर प्लस 1.57x प्लस 1, हाईएस्ट पावर है 2. सो आंसर इज 2. दैट्स द एंड ऑफ योर मेजर क्वेश्चन 1. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सेकेंड मेजर सम. Write the coefficient of x cube in the following polynomials. Now, what do you mean by coefficient? Coefficient मतलब जो आपको बोला है, जो term है x cube. X cube के आगे जो numerical value होगी, वो plus उसकी sign जो भी होगी, either plus or minus, वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है? So, second का first sum है, ध्यान से देखना. 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1. तो x cube के आगे क्या है? 4 है. So, answer is 4. इन सेकेंड सम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x क्यूब है ही नहीं, तो x क्यूब के आगे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब 0x क्यूब मतलब 0 इंटू x क्यूब इज 0. सो आंसर इज 0. थर्ड सम नंबर देखिए, x square minus root 3x cube plus 4x raised to 7 plus 6. अब आगे की क्या साइन है? That is your minus root 3. So answer is minus root 3. Third major sum. Classify the polynomials as linear, quadratic or cubic. अब देखो, quadratic linear होता है तो x का power हमेशा 1 आएगा. ठीक है? क्वाड्रेटिक है तो x जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो होगा आपका 2, और क्यूबिक होगा तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा आपका 3. ओके, सो थर्ड का पहला है x स्क्वायर प्लस 27. तो x स्क्वायर प्लस 27 कैसी है? इट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन सेकंड, 2010x प्लस 2009, देन इट इज योर लीनियर इक्वेशन. देन थर्ड में देखिए, 4x square plus 7x cube plus 3, तो आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा. एंड फोर्थ देखो, x माइनस 1 एंड x प्लस 1. अब यहां पे आप लोगों को इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. तो x माइनस 1 x प्लस 1 आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो x स्क्वायर माइनस 1. नाउ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आया तो आंसर आएगा आपका क्वाड्रेटिक. ओके, नाउ वेरीफाई वेदर द एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? हमेशा ये याद रखना कि x के जो पावर्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव
होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, एक्चुअली होल नंबर होने चाहिए या इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अब देखो फोर्थ मेजर सम का पहला, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग एलजेब्रिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल और नॉट। तो पहले में देखो x is to 7 plus 10 x is to 5 plus 4 x cube plus 3 x plus 1, तो ये देखोगे तो यू विल गेट यस इट इज अ पॉलीनोमियल, और ये जो पॉलीनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल में है। अब सिंगल वेरिएबल मतलब क्या कि एक अल्फाबेट होगा, अगर इसमें आपको y भी होता t भी होता, ठीक है, तो नंबर अगर बढ़ते हैं पॉलीनोमियल्स के सॉरी अल्फाबेट्स के तो वो आपके वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे x एक सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड देखो x रेस टू माइनस फाइव बाई टू प्लस टेन एक्स प्लस फोर, तो ये क्या है माइनस फाइव बाई टू, इज दिस अ इंटीजर, नो, ठीक है, तो इंटीजर नहीं है इसलिए नो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। एंड थर्ड पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बराबर है, पी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल हैव माइनस साइन। नाउ अगेन एक्स रेस टू माइनस वन है सो इट इज नेगेटिव नंबर, वी नीड्स ओनली पॉजिटिव होल नंबर सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, सो आंसर विल कम नो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ओके। देन लास्ट सम मेजर सम फिफ्थ, व्हाट यू आर आस्क्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 25। तो मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म आना चाहिए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 10। तो लेट्स से मोनोमियल का एग्जांपल मैं देता हूं x रेस टू 10, ठीक है, x रेस टू 10। फिर आपको पूछा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होगा कि आपका दो टर्म आना चाहिए, ठीक है, तो बाइनोमियल और डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 20। सो x रेस टू 20 प्लस x रेस टू 18 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, या कोई भी कांस्टेंट टर्म भी मैं लिख सकता हूं। सो दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट इट हैज द हाईएस्ट पावर 20 एंड इट हैज व्हाट टू टर्म्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनोमियल। एंड लास्ट अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 25, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 25 मतलब थ्री टर्म्स होने चाहिए और हाईएस्ट पावर होना चाहिए 25, एक्स रेस टू 25 प्लस एक्स रेस टू 20 प्लस लेट्स से 7, ओके, दिस इज योर ट्राइनोमियल। आप लोग कोई भी टर्म लिख सकते हो लेकिन आपकी पावर जो है वो 25 होनी चाहिए, तो एक्स एस टू 25 प्लस एक्स एस टू 20 प्लस 7, ओके, अंडरस्टूड, दैट्स योर होमवर्क ऑफ टुडे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू वेरी मच।